डैडी कल मुझे बहुत डराया गया है, मैं उस प्रैंक के चलते बहुत ज्यादा डर गया डैडी, इतना ज्यादा कि मुझे फीवर चढ़ गया डैडी। Yeah, son, don't you worry, son. Everything will be all right, okay? Doctor, please see him and take care of him, all right? Son, nothing will happen. You just wait, all right? Just get some sleep and you will be good. Okay, daddy, मुझे सोना चाहिए। Yes, son, you should sleep. That poor Aryan, he scares my son. And now my son's health is very much worse. Now I will take some dirty revenge. Get ready. School, school, school चले हम। सुबह सुबह उठने का हमको नहीं है मन। वेल हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो अगर आपको ही पता है कि किसकी कार है, इसका मतलब आपने सीरीज बहुत अच्छे से देख रखी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से एक लाइक करो। वेल और अगर आपको नहीं पता है कि किसकी कार है, तो गाइस आपने सीरीज अच्छे से नहीं देखी है, आपको अच्छे से देखनी चाहिए थी। वेल बट अभी समझ आ जाएगा किसकी कार है। यस वो सब छोड़ो, मेरा नया हेडफोन्स देखो गाइस। आज अपने क्लास में ना बहुत क्रेजी चीज होने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। वेल हेडफोन उतार के जाता हूँ भाई, कल तो इतना मजा आया ना। रॉकी को मैंने डराया, मिंटू चिंटू को डराया, आप समझ रहे हो गाइस, बहुत मजा आया है भाई। लेकिन हाँ आज की जो मेरी क्लास है थोड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज अरे सेक्शन बी रोल नंबर बेटा, सेक्शन बी रोल नंबर 5 आर्यन कम इन प्रिंसिपल्स केबिन। ऑलराइट प्रिंसिपल्स केबिन, मेरे को ये मीटिंग रूम में क्यों बुलाया जा रहा है, पता नहीं भाई ऐसा क्या हो गया। मतलब इतने तगड़े प्रैंक तो नहीं कर दिए मैंने कि सर भी खुश हो गए। गाइस चलो देखते हैं। ऑलराइट हाय गुड मॉर्निंग, ओ गुड मॉर्निंग सर। अरे बेटा जी सिट डाउन, सिट डाउन एंड मीट आवर वेरी 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 ओल्ड student, he was also studying there in your class someday many years ago. Hi, good morning. Hey you poo, I mean hey you Aryan, come on sit down buddy, just relax. रिलैक्स भाई, इनको देख के मैं कभी रिलैक्स कर सकता हूँ। ऑल राइट बैठता हूँ। हाँ सर बताओ आपने मेरे को क्यों बुलाया, ऐसा क्या हो गया। अरे बेटा जी ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग बेटा। ऑल राइट लॉकी अंकल बताइए क्या हो गया। नो 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 डोंट एक्ट टू स्मार्ट, यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज। आई ऑलरेडी नो, मतलब मुझे नहीं पता, आप ही बताइए ना मेरे को क्या पता। और डैडी डैडी अंदर जाइए, वो नीला बालक वही आपका इंतजार कर रहा होगा डैडी, और मेरे परम मित्र रॉकी के डैडी भी आए होंगे डैडी, आप जाइए। अरे भाई हम अपना बिजनेस मीटिंग छोड़ के आए हैं, उसका इंतजार नहीं करेंगे हम, चलते हैं अंदर। हाँ डैडी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अंदर जाओ। हाँ भाई हम भी तो देखे जरा कौन है ये नीला बालक। ओए नीले। अरे मिंटूज डैड कम ऑन सिट सिट। अरे हाँ भाई आप रॉकी के पापा जी है क्या। या कम ऑन सिट डाउन, आई एम रॉकी is that and you are Mintu's dad, we are good friend, all right just sit down. Wait what, Mintu ke papa, bhai kya chal raha hai yahan pe। Are bhai ye neele balak ne to naak ke balon ko chhil diya hai hamare। क्या नाक के बालों को छील दिया, क्या बोल रहे हो। अरे मतलब नाक में दम मचा के रखा है, उधम मचाते हो तुम उधमी बालक। Yeah, he is all right. You are very much naughty. अरे बेटा जी yes, he is very naughty. कल इसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा मजाक किया लेकिन हमें ज्यादा दुख नहीं हुआ। Okay, now enough time wasted. Now I shall come to clear point, okay? अरे वही तो मैं तो इतनी देर से वेट ही कर रहा हूँ, आप लोग ही घुमाए जा रहे हो, जल्दी बताओ ना क्या हुआ, इतनी देर से मैं यहाँ डर के मारे बैठा हुआ हूँ। अरे बेटा जी इन्होंने मेरे को बताया कि इनके स्कूल से तुम लात मार के निकाले गए थे और हमारे स्कूल के लिए भी तुम ठीक नहीं हो, ऐसा इनका कहना था बेटा। अरे नहीं नहीं ये सही नहीं है, असली में उन लोग ने बहुत कुछ किया था सर, आप मेरी बात सुनिए। अरे हाँ बेटा मैं तुम्हारी ही बात सुनने के लिए तो बैठा हूँ। सर वो ना मेरे और रॉकी के बीच थोड़ी बहुत ऊंच नीच थी, ऐसे हम लोग की ना बनती नहीं थी, तो इसके चलते ना इन्होंने मेरे को निकाल दिया था, और कोई कारण नहीं है। अरे भाई तो तुमने कुछ तो किया ही होगा उधमी बालक, मेहनती तो तुम लगते नहीं हो शक्ल से, बहुत मजाकिया भी हो तुम। What? क्या बोल रहे हो भाई, ये बंदे मतलब इनका दिमाग ना कहीं और है गाइस, मेरे को तो लगता है भाई कौन आ गया। Hey, no, no, no. He is very, very bad. He is very bad. He should be investigated from this school too. And when he would be out of the school, then he'll remember what it is to fight with Rocky. ये देखा सर आपने, देखा सब कुछ ना रॉकी के
चलते हुआ है। मतलब देखो यहाँ से मेरे को निकालने का कारण यही है कि मैं रॉकी से लड़ लिया, समझ रहे हो सर? आप बात समझिए प्रिंसिपल सर, इनकी बातों में मत फंसिएगा। अरे बेटा जी, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल बेटा। ही इज माय वेरी ओल्ड स्टूडेंट, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बेटा। ही गिव वेरी मच कंट्रीब्यूशन इन अवर स्कूल बेटा। यू नीड टू गिव हिम रिस्पेक्ट, डोंट टॉक इल अबाउट इट। अरे यार गाइस, प्रिंसिपल सर भी इन्हीं के साइड हो गए, मैं फंस गया हूं भाई। ओके, टिल दिस नाइट वी विल लेट यू नो कि बेटा जी तुम हमारे स्कूल में होती कि तुम नहीं निकलती। ओके बेटा? नो नो नो, ही विल बी आउट, डोंट गिव हिम एनी होप। ओके, यू गेट आउट नाउ। ओके ओके सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अरे क्या गुड डे भाई, मेरा पूरा डे बिगाड़ दिया, स्कूल बिगाड़ दिया, यहाँ से भी निकाल देंगे बोल रहे यार ये लोग। इतने मुश्किल से टॉम सर ने यहाँ पे एडमिशन कराया था, यहाँ से भी निकाल देंगे। फटाक से टॉम सर को बताता हूँ सब कुछ। भाई क्या चल रहा है? ओए नीले बाला। अरे यार ये बचा था भाई, अभी मैं मूड में नहीं हूँ, ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ। ओए तू जल्दी से स्कूल से चला जाएगा, आखिरी दिन है तेरा, कर ले एंजॉय। अरे यार इन लोग के साथ कुछ भी होता है ना, लोग स्कूल से निकाल देंगे करके धमकाते रहते हैं फटाफट। अरे भाई हटो ना, फटाक से अभी जाता हूँ और मैं ना अभी ना टॉम सर को कॉल करता हूँ भाई। मतलब गाइस थोड़ा दिक्कत हो गया यार। अरे ये वही है, इससे बदला लूंगा मैं, इसने मेरे ऊपर कल कचरा फेंका था। अरे वो देखो, ये तो किसी से बात कर रहा है। ओए ये ले। अरे बच गया। ओए ये ले। अरे पड़ा। यस यस यस। अरे यार कौन है? अरे बात क्यों नहीं कर रहे भाई, क्या दिक्कत है तेरे को? अच्छा ये भाई सुनना, आज मत लड़ मेरे से, आज मैं जल्दबाजी में। नहीं नहीं, कल तुमने मेरा कचरा गंदा किया था, आज मैं मारूंगा। अरे पागल है क्या? गाइस अब इसका बहुत हो गया बेटा, चल आजा आजा, दो दो हाथ कर लेते हैं ना, आजा चल आजा, मैं नहीं डरता तेरे से, मैं बताता हूँ। अच्छा बेटा चल आजा फिर, देख लेते, चल मार मार मार, मैं नहीं रहता ना तेरे से, आजा देखते हैं फिर। ठीक है बेटा ये ले, फड़ा कैसा लगा मार खा के? चलो गया। गाइस खाली फोकट ना ज्यादा बात कर रहा था। हेलो, हाँ डैडी मैं यहीं पर आ चुका हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वही टेंशन मत लो। अरे हाँ डैडी, आपने कहा था कि रेस्ट कर, लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर पाया, मैं को यहाँ पे टॉम सर को बर्बाद करने का है, क्योंकि जब तक टॉम सर ठीक रहेगा तब तक आर्यन का कुछ नहीं होगा। पहले टॉम सर निपटेगा, उसके बाद वो चूजा भी निपटेगा, ठीक है डैडी? जैसा आपने कहा था मैं वैसे ही करूंगा, और जैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा हम अपना प्लान एक्टिवेट करेंगे। ऑलराइट डैडी। तुम दोनों ने प्लेन अच्छे से चेक किया ना? क्योंकि लास्ट टाइम देखे थे तुम लोग, फ्यूल कम हो गया था, मैं पहुंच नहीं पाया था। मेरी सी प्लेन को तुम अच्छे से चेक कर लो, तो मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरी सी प्लेन को ठीक से चेक कर लेना, ठीक है? चलो मैं आता हूँ, तुम दोनों बड़ा ख्याल रखो। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। और लगता है बिल्कुल सही समय है, उसका सिक्योरिटी गार्ड भी गया है। देखो ये मेरे पास जलने वाला तेल है, इस तेल में जैसे ही थोड़ा सा भी फ्रिक्शन होता है ये जलने लगता है। इसको मैं पंखे में डाल देता हूँ, फिर जैसे ये पंखा घूमेगा ये अपने आग से इसे जला लेगा, और फिर देखते हैं टॉम सर को क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा गुस्से में हूँ कि कल उसने मेरे साथ प्रैंक करके बिल्कुल गलत किया है। रॉकी, महान रॉकी को उसने डराया है, महान रॉकी को डराने की सजा तो उसे मिलेगी। चलो अब यहाँ से भागता हूँ, वो रही मेरी सुपर बाइक। चलो रॉकी से बदला महंगा पड़ेगा टॉमी, और पहले तो तू टॉम सर को निपटाएंगे, और उसके बाद उस चूजे को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। चलो सब चीज चेक हो गया ना, चलो मैं जल्दी से जा रहा हूँ, और हाँ तुम भी मेरे साथ चलो, और आज रात तक हमें वापस भी आना है, तो ध्यान रहे कि कोई भी तकलीफ इधर ना हो और कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है? चलो बैठ गए ना तुम, ठीक है? अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अरे एक मिनट, ये हो क्या रहा है? पूरी आग लग गई है, आखिर क्या चल रहा है? पंखा भी नहीं चल रहा है। लेटर दैट सेम इवनिंग। अरे भाई मैं कब से टॉम सर को कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। मतलब मुझे लगा भाई कि कुछ ना कुछ करके कॉल बैक तो करेंगे, बट शाम हो गई और यहाँ तक कि मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया है, मेरी छुट्टी नहीं हुई है। गाइस मेरे को एक्चुअली में स्कूल से निकाल दिया गया है, मैं अब क्या करूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट फिलहाल मैं एक बार चल के देखता हूँ कि टॉम सर क्यों नहीं उठा रहा है। एक तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है टॉम सर पे भी, और मेरे को निकाल दिया उस पे भी। एक मिनट, अरे ये वाले गार्ड कैसे खड़े हैं? तो भाई टॉम सर के एकदम प्राइवेट गार्ड है। अरे भैया आप यहाँ पे कैसे खड़े हो, टॉम सर का है कुछ पता है? टॉम सर इज नॉट। क्या कि क्या? अरे भाई रुक क्यों गया, बोलो ना। हियर। अच्छा ठीक है, क्या आदमी है तू, कहाँ है ये तू बताओ? He is being hospitalized. Wait, what? Hospitalized? पर क्यों? Accident. Go in your backyard and check it out. All right, backyard में जाके check out करना। ऐसा क्या सीन हो गया guys? Accident हो गया है भाई टॉम सर का। ऐसा कैसा accident हो गया टॉम सर का? वे ओ ओके ओ भाई ये तो अपनी सी प्लेन है। अरे
ये सी प्लेन फट गई है यार, ये फट गई है या फिर मतलब ये क्या सीन है, मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या यहाँ पे क्रैश हुआ है या फिर ये सी प्लेन अपने आप फटी है? भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट इतना समझ आ रहा है कि आगे जो इंजन का हिस्सा होता है वो जल गया है, और आई होप कि जब ये जला हो तब टॉम सर उस पे ना बैठे हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। भाई हॉस्पिटल में चलो अभी जल्दी जल्दी, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना किए मैं हॉस्पिटल चलता हूँ। बाप रे इतनी देर हो गई यहाँ पहुंचते पहुंचते इतने ऊपर जो है। ऑल राइट गाइस, ठीक है यार, अरे एक मिनट, ये वाला तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, टॉम सर यहाँ है, इसका मतलब टॉम सर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, बट उनको कुछ तो रिस्क है। ऑल राइट मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। अरे जय, अरे ये रे, अरे टॉम सर कैसे हो आप? अरे बाप रे, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अभी मेरा ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, मैं कम से कम कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रहूंगा और उसके बाद कुछ दिनों का बेड रेस्ट है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसने भी मेरे साथ ये किया है वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ जरूर करेगा, बिल्कुल केयरफुल रहना, कोई भी लापरवाही नहीं, ठीक है। अरे यार टॉम सर ठीक है यार, पर टॉम सर क्या अपने पास कोई भी ऐसा ऑप्शन है या फिर कोई भी ऐसा क्लू जिससे अपन पता कर सके कि ये सब किसने किया है, मतलब ऐसा कुछ तो होगा? हाँ मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स पता कर रहे हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है, और मैंने सिक्योरिटी को भी बोला था कि वो ऐसे एक्ट करे कि बहुत कुछ नहीं हुआ है, बस तुम अपना ख्याल रखना और इन लोग का भी, ठीक है ना। अरे यार टॉम सर आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो यार, ऐसे समय में आप अपनी चिंता करो भाई। यार चलो ठीक है यार, टॉम सर आपको ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, मैं मतलब काफी लेट कर दिया लगता है मेरे को आने में। डॉक्टर किधर है? अरे डॉक्टर भी लेट कर रहा है यार, ज्यादा लेट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। व्हाट, क्या बोल रहे हो? टॉम सर आप वेट करो, मैं डॉक्टर को अभी तुरंत लेकर आता हूँ। ओए डॉक्टर सुन मेरी बात, अगर तू अंदर जाके ऑपरेशन किया ना तो मैं तेरी भेजा खोल दूंगा, समझ में आया? हालांकि मुझे सब कुछ पता है कि तू कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं है, छोटा मोटा डॉक्टर है, पर तुझे अंदर नहीं जाने देंगे हम लोग। लेकिन हम लोग तेरे को एक शर्त में जाने देगा, अगर तू अंदर जाके उसको बोलता है कि ऑपरेशन नहीं होगा तो हम लोग तेरे को जाना देगा, और फिर बोलना कि एक दूसरा डॉक्टर लगेगा, और फिर दूसरा डॉक्टर को आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक वो टॉम थड़पता रहेगा। ओए पहले मेरे को ये बता कि असली में टॉम सर को लगा कितना है? मुझे तो बस लग रहा है कि उसके हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा चोट आया है ना, वो ज्यादा सीरियस नहीं होगा, है ना? He is very serious. अरे वो वेरी सीरियस है क्या? अरे फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा, कहीं मैं इसे जाने दे दूं क्या, कहीं टॉम सर मर मुर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता है। यार ये पागल डॉक्टर ऐसे समय में कहां जा सकता है, इतना सीरियस समय ये कहां गायब हो गया भाई? ये डॉक्टर कहीं नीचे तो नहीं चला गया? अब मेरे को उसको नीचे से जाके बुलाना पड़ेगा। गाइस ऐसे समय में ये डॉक्टर कैसे जा सकता है? अब ना बहुत हो रहा है मेरे को डॉक्टर के ऊपर, इसके उसके हर चीज को मिला के ना इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना गाइस कि मैं क्या बताऊं, और ये सारे गुस्से को ना मेरे को कहीं ना कहीं तो फोड़ना पड़ेगा। अब मैं रॉकी के घर जा रहा हूं, सीधा रॉकी के घर जा रहा हूं, लाइक लिटरली। लेकिन हां उसके पहले मैं एक नया डॉक्टर बुला लेता हूं भाई, लाइक अगर नया डॉक्टर नहीं आया गाइस तो मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि भाई टॉम सर को कुछ हो गया सबसे बड़ी दिक्कत की बात फिर मेरे को ही होगी, और क्या गाइस, क्योंकि टॉम सर को कुछ नहीं हो सकता। बट हां गाइस अगर आप भी चाहते हो कि अपना टॉम सर बच जाए तो यार वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो, और गाइस अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार गाइस अब तो अपनी वाली सीरीज भी एंड के बहुत नजदीक है, तो अभी तो सब्सक्राइब करना बनता है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ऑल राइट मैं नीचे आ गया गाइस, यार ठीक है अब अपने को चलना है चुपचाप, एक नया डॉक्टर अपॉइंट करना है, ठीक है। द नेक्स्ट डे, हां है तुम लोग को क्या पता है, वो तो मैंने डॉक्टर को कल जाने दे दिया था, वो बिछाड़ा टॉम उसका इलाज हो रहा होगा, अगर मैं उस डॉक्टर को जाने का मौका नहीं देता तो टॉम को भी यहाँ रहने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ठीक है अभी तो चूजे से मैंने बदला। अरे एक मिनट भाई, ये तो चूजा वहाँ पे खड़ा हो गया अपनी पूरी फौज लेके, लगता है ये लोग मेरे को मारने आया है क्या। रॉकी देख भागने की सोचना मत, ठीक है ना, चॉप से कोई इतने जोर से काटेगा ना, क्योंकि चॉप तुझसे बहुत तेज है, ठीक है, तो अगर तू भागने की सोचता है तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप से इधर चल गया। ओए चूजे तूने मेरे को हल्के में समझाया क्या, रॉकी उनमें से नहीं है जो डर के भाग जाए, तभी तो मेरे छोटे मोटे फ्रैंक करने से किसी की तबीयत खराब हो गई थी। ओए वो फ्रैंक से नहीं हुआ था, वो मुर्गी मेरे मुंह पे आके अंडा खरीदी थी, अंडा मारेगी मुंह में तो तबीयत नहीं खराब होगा क्या, डर के थोड़ी हुआ था, इनफैक्ट मैं तो तेरे प्रैंक से डरा भी नहीं था। ओह मेरे प्रैंक से डरा भी नहीं था क्या, वेल चल ठीक है वो तो मेरे को नहीं पता, बट तूने एक बात बता, तूने टॉम सर के बारे में कुछ भी सुना, देखो कुछ भी पता है कि टॉम सर कहाँ है क्या चल रहा है? आज टॉम सर के बारे में मेरे को कैसे पता होगा, छूजे तेरे सर है, तू साथ में रहता है उनके भिखारी जैसे, तू जान मेरे से क्या पूछता है। गाइस अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सब टॉम सर को जो हुआ है वो रॉकी ने किया है कि किसने किया है, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। चल ठीक है मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, देखो पता है वैसे टॉम सर ना आज दुबई गए, तो वो लोग ना वहाँ से कुछ गिफ्ट लाने वाले, तो पूछ रहे थे कि तेरे से भी पूछ ले कि क्या गिफ्ट लाना है ऐसा करके, तो मैं वही पूछने आया, बता देखो कोई गिफ्ट चाहिए क्या। मजाक मत कर, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि टॉम सर को, ओह शिट, खुश ना आए। हाँ बेटा मेरे को पता था कि तू है इन सब के पीछे, समझा, रॉकी के बच्चे। अरे ये क्या अर्थ था ये भाई, ओके भाई रॉकी के चूजे आ गए लोग, चलो भाई बता दो इन लोग को भी, और इन लोगों को तो भाई प्रिंसिपल सर ही बता देंगे, ओके ये हुई ना।
बात। सर एक और है। चल छोड़ भाई, तेरे को तो मैं ही बता दूंगा। ऑल राइट। चूजे खाई के मेरे को समझ आ गया, तेरे मुखो में बड़ा दम है तेरे मुखो में। लेकिन क्या तेरे को पता है कि जब तू अच्छे से बॉक्सिंग प्रैक्टिस करेगा तो तू मेरे को बॉक्सिंग में नहीं अड़ा पाएगा। व्हाट बॉक्सिंग? एक मिनट, तेरे को मेरे से बॉक्सिंग मैच करना है? ओके नॉट बैड। हाँ लेकिन बॉक्सिंग में कोई इतने सारे ग्रुप बाजी नहीं होगा। तू अकेला मैं अकेला, यू वर्सेस मी, समझा? तू चूजे खाई के अभी तो मेरे अंदर बिल्कुल दम नहीं था लड़ने का, इसलिए मैं नहीं लड़ेगा, वरना मैं तेरे को मारता। हाँ चल रहने दे, बॉक्सिंग मैच चल ठीक है, कब करना है बता? ओए तू बता, कल करते हैं कल। आज दिन भर ट्रेनिंग कर ले, रात भर खा ले, फिर भी रॉकी को नहीं हरा पाएगा तू। देख भाई मेरी कुछ शर्तें हैं, अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो देख, स्टेज पूरा तू लगवाएगा, प्रॉपर सेटअप पूरा तू करवाएगा अपने पैसे, और जो जीतेगा ठीक है ना, उस जीतने वाले को कम से कम कुछ ऐसा देना चाहिए जो कि मतलब बहुत काम की चीज हो, ठीक है? ओए चल, मैं अपने डैडी से बोल के तेरे को एक सुपर कार गिफ्ट करेगा। नहीं सुपर कार नहीं, वो सब अब छोटी मोटी चीज हो गई है। तो क्या करना पड़ेगा बता, अगर तू हारेगा तो अपने जो प्रिंसिपल सर खड़े है ना भाई, उनको उनकी जॉब वापस देना, या फिर जितने पैसे उनके बनते थे उतना पैसा वापस देना। चॉइस इज योर, दोनों में से जो करना है तू कर सकता है, ठीक है? ओए ठीक है, तो फिर अगर तू हारेगा तो सुन मेरी बात, अगर तू हारा तो तू वो जो टॉम सर की फेवरेट गाड़ी नहीं है, पता नहीं उन्हें कहां से इंपोर्ट कराई है, मैंने खरीदने की सोची तो मुझे मिलना है, बोल दिया तेरा खास के बाहर है। लेकिन सर अगर तू हारा तो वो कार मेरे को दे देना, ठीक है? अरे वो कार तो टॉम सर को बहुत प्यारी है। चल ठीक है, मैं हारने नहीं वाला हूँ, दे दूंगा जा। ओए ठीक है फिर, कल करता है बॉक्सिंग मैच रॉकी के साथ। इसे क्या पता कि मैं स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत चुका है, कल इसे हराएगा और मैं कल टॉम सर की गाड़ी लेकर घर जाएगा। गाइस यार मेरे को दया आ गई इसके ऊपर, ही तो आज हम लोग 5-5 लोग आए थे, सब मिलकर रॉकी को पीटने वाले थे, लेकिन ना इसका थोबड़ा देख के ना ऐसे ना एकदम सीधे साधे बच्चों की थोबड़ा इसका। अब लेकिन गाइस आज से ट्रेनिंग चालू होगी बॉक्सिंग, मतलब मैच जो रहा ना अपना बॉक्सर बनने की। और भाई देखो बॉक्सिंग में अपन ऐसे बुरे नहीं है, ठीक है ना? आज दिन भर कल रात भर मतलब पूरा अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे और फिर जो अपना मैच होने वाला ना उस पे जाके रॉकी को बता देंगे भाई। ऑलराइट कमेंट सेक्शन क्वेश्चन टाइम, आर्यन भाई इस सीरीज के कितने एपिसोड बचा है? ओके सीरीज के एपिसोड देखो बहुत ज्यादा नहीं बचे क्योंकि अपन एंड के काफी क्लोज है, लास्ट 2 या 3 ही बचे भाई, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2, और लास्ट वाले फाइनल एपिसोड में बहुत कुछ क्रेजी होगा, मतलब एक काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगी, तो जरूर वेट करना लास्ट एपिसोड का। बट हाँ चलो, और एक और कॉमेंट है इसमें, मिंटू को बोला गया दुश्मन ऑफ आर्यन भैया, चिंटू लिटिल डॉन, दर्श अपना टॉपर, हाँ दर्श टॉपर है, चॉप फनी सिंगर, हाँ वो हर चीज में फनी है, और सिंचन कॉमेडी, लोकी अपना दुश्मन ऑफ टॉम सर, हाँ वो सभी का है, और रॉकी दुश्मन ऑफ आर्यन भैया, यस आर्यन भैया फ्रैंक स्टेरन हाइड एंड सीक प्रो, टॉम सर ही लव्स आर्यन भैया, ये वेल काफी डिटेल्ड कॉमेंट भाई, से पता चलता है कि तुमने सीरीज अच्छे से देखी है भाई। बाकी चलो ठीक है, अपन मिलते हैं कल बॉक्सिंग मैच के साथ। अगर अगला एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, अपन मिलते हैं कल। स्कूल 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 चले हम।